डांस करते हैं, तो इस तरह का एक टाइम एंड दे हैव कवर्ड नॉर्दर्न बॉर्डर्स एज वेल मोस्ट ऑफ द वैलीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज सिक्किम सर देयर आर सम फोटोग्राफ्स इन हैव बीन डन बाय ट्रैकिंग स्टेशंस एज वेल लाइक ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द मेडिकल कैंप्स एज वेल एज ये देखिए ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ये जो ईस्टर्न कमांड ने आयोजित किया है, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है, साइकिलिंग है, मोटरसाइकिलिंग है और ट्रैकिंग है, माउंटेनियरिंग है, वाइट वाटर राफ्टिंग है। ये जो धीरे धीरे इस तरह का जो एक्टिविटीज़ है नॉर्थ ईस्ट में खूब जोरदार आ रहा है और एडवेंचर स्पोर्ट्स का सबसे ज़्यादा स्कोप जो है, फैसिलिटी जो है नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल में है सबसे ज़्यादा, अरुणाचल प्रदेश में। वाइट वाटर राफ्टिंग का बोलो, साइकिलिंग का बोलो, माउंटेनियरिंग का बोलो, द हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश पहले दफ़ा ये लोग अचीव किया है। तो इसलिए हमारा ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का साथ ही साथ ये टूरिज्म एक्टिविटीज़ का भी बढ़त होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस तरह का जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगा ये बाहर चला जाए और बाहर से लोग जाने कि अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार का सुंदर सुंदर एक्टिविटीज़ है, इस तरह का सुंदर सीनिक ब्यूटी है, इस तरह का कल्चर है, इस तरह का लोग रहते हैं, तो धीरे धीरे लोग आने लगेगा हमारे अरुणाचल प्रदेश में। अभी हमको अरुणाचल प्रदेश में ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि सबसे बिगेस्ट जो इंडस्ट्री हम टूरिज्म इंडस्ट्री को हम पकड़ रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ोत हो हमारा अरुणाचल प्रदेश में। बाकी जो एक्टिविटीज़ में जो बाकी जो 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 मिनरल्स में माइनिंग में इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आएगा ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो इस तरह का जो एक्टिविटीज़ है इट विल फैसिलिटेट द टूरिज्म ऑल्सो, टूरिज्म मैं तो यही कहूँगा। और मैं ईस्टर्न कमांड को मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा, धन्यवाद। देखिए आर्मी का साथ हमारा लोगों का अरुणाचली का साथ बहुत पुराना रिलेशन है। अब जब लोग बाहर से आएगा हम जय हिंद जय हिंद, मैं कल परसों बसार गया रहा वहाँ का गांव बुढ़ा लोग जय हिंद करके हमको वेलकम किया है, कितना अच्छा लगता है। देशभक्ति के ऊपर कितना उनका जो जो विचार है ऊँचा विचार है उनका, हाँ जो है पेट्रोटिज्म फुल है अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि अरुणाचल का जो फ्यूचर जो एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न, डेवलपमेंट इज कंसर्न, विकास जो होगा तो अरुणाचल एक विकसित राज्य में आ जाएगा इन डेज टू कम।